प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। भगवान शिव की नगरी काशी श्रावण मास में कांवरियों से पटा हुआ है। शिव भक्तों को इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन व जल चढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से कांवरियां आ रहे हैं, जिससे पूरी काशी शिवमय हो गई है। बोलबम के नारों से पूरी काशी गूंज रही है। बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर सभी शिवालयों के जाने वाले रास्तों पर कांवरियों का रेला सा लग गया है। मेरा नाम रघुवंश प्रसाद सिंह। आज आप बाबा विश्वनाथ का काशी दर्शन जी, आप बाबा का दर्शन किए हो तो खुशी है। ये है काशी विश्वनाथ त्रिशूल महादेव का मंदिर है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन है थोड़ा ये प्रशासन की थोड़ा सा लापरवाही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, प्रशासन की क्या व्यवस्था दी गई है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, रहने वहने का कोई सुविधा होना चाहिए। जी आपका नाम? सोनू कुमार। बात की जाए यहाँ के प्रशासन की तो क्या बताना? प्रशासन की ठीक है, बट कुछ कुछ जल्दी थोड़ा निकाल दिया जा रहा है मंदिर से। आप कहाँ से आ रहे हैं? बिहार। बिहार से आ रहे हैं? बिहार अरवल जिला। जी आपका नाम? विकास कुमार। आज यहाँ पे आप लोग बाबा भोले की दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को प्रशासन की बात? मेरे अंदाज से तो सब अच्छा व्यवस्था किया गया है, क्योंकि कहीं पर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। जो पूछे उसका जवाब भी दे दिया, सभी का मैंने फर्स्ट आया, अच्छा मुझे महसूस हुआ है। बोल बम विश्वनाथ के दरबार में खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज दूसरा सोमवार है। दूसरा सोमवार को देखते हुए आज कवरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। आज बात की जाए यहाँ के प्रशासन की, तो आइए कवरिया जनों से बात करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या कहना है। आप सागर कुमार, आज आप लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सब ठीक है। प्रशासन की बात की जाए तो क्या व्यवस्था दी गई? सब ठीक व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था सब ठीक है। जी आपका नाम? हमारा मनोज कुमार, घर बदराबाद, जिला अरवल, बिहार। जी आज आप बाबा भोले के दर्शन? बहुत बढ़िया, पहला बार आए हैं। किस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो किस तरीके से आप लोगों को सुविधा दी गई है? हाँ, पहला बार आए हैं, बहुत बढ़िया लगा सबके, बहुत अच्छा दर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि हम लोग एक लोग बिहार से आए हुए हैं और लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ तक ये कहना है कि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की व्यवस्था ये लोग सही तरीके से रास्ता नहीं बता रहे हैं, लोगों को गुमराह करके इस तरीके से भेज रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों से बात करने के बाद यह पता चला है कि बाबा भोले का दर्शन जो हम लोग करने आए थे काफ़ी बढ़िया दर्शन मिला। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं रिपोर्टर राव से लाइव भारत न्यूज वाराणसी। आ रहा है, 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 आ रहा है,